नमस्कार दोस्तों, द कविता शो की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अपनी विदेश यात्रा के बारे में बात करूंगी। मैं उत्सुक हूं बताने के लिए, क्योंकि कई लोग मुझसे अलग अलग पूछ रहे हैं, इसलिए मैं एक साथ अपना अनुभव शेयर करती हूं। दोस्तों, ये मेरी विदेश की तीसरी यात्रा थी। पहली बार मैं जर्मनी गई, दूसरी बार थाईलैंड और तीसरी बार स्पेन देश। हर देश के अलग अलग अनुभव रहे हैं, या कुछ अनुभवों को मैंने आपके साथ में पहले शेयर भी कर चुकी हूँ। इस बार स्पेन की यात्रा बहुत अलग और ख़ास थी। मैं बांदा से 3 अप्रैल को निकली थी और 4 अप्रैल को दिल्ली पहुँच गई ट्रेन से, और फिर मैं 5 अप्रैल को 2:30 बजे रात को एयरपोर्ट के लिए निकली। मेरी साथी प्रिया भी मेरे साथ गई थी स्पेन। हमारी फ्लाइट सुबह 5 बजे की थी, तो 3 से 5 बजे तक एयरपोर्ट में गहन जांच पूरी हुई। हम प्लेन में बैठे और उड़ चले दूसरे देश स्पेन। दिल्ली के बाद पहला स्टॉप पड़ा इस्तांबुल देश, वहां हम उतरे और दूसरी फ्लाइट वहां से पकड़ी, तो पहुंचे मैड्रिड देश, और वहां से उतरकर मैड्रिड से तीसरी फ्लाइट ली तो पहुंचे स्पेन के बिलबाओ राज्य। हमको लेने के लिए एक शानदार कार भेजी गई थी, उसमें बैठकर हम पहुंच गए शानदार होटल 6 अप्रैल को, जो बिलबाओ का समय था 9 बज के, लेकिन एकदम उजाला था वहां पर, और उस समय इंडिया में मतलब हमारे यहां 12 बज रहे थे रात के। फिर अगले दिन 7 तारीख को मतलब 7 अप्रैल को हमारा इवेंट था जिसके लिए हम गए थे, उस प्रोग्राम में हमने भाग लिया और वहाँ पर मैंने अपने काम का प्रेजेंटेशन दिया, मतलब खबर लहरिया के बारे में, खबर लहरिया के इतिहास के बारे में, और 20 साल हमने कैसे इस सफ़र को पूरा किया उसके बारे में हमने वहाँ पर सबको अपने अनुभव बांटे। तो दोस्तों, वहाँ का अनुभव बहुत ही खास रहा उस प्रोग्राम के बाद में। अब बाकी के जो दिन थे वो और भी बहुत मज़ेदार थे। तो दोस्तों, 7 तारीख को फिर हम लोग ने घूमने निकलना शुरू किया। ये देख रहे हैं ना, जो अभी आपने सीन देखा है, मकड़ी की सीन है, और जहाँ मैं खड़ी हूँ ये स्पेन का बिलबाओ राज्य है, और यहाँ पर ये मकड़ी को खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये सामने आप देखेंगे म्यूजियम है, यहाँ पर ऐतिहासिक बहुत सारी चीजें इसके अंदर, तो आज हमने म्यूजियम घूमा है, और म्यूजियम के बाहर जो मकड़ी है वो भी हमने देखा। वैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में मकड़ी को दुश्मन मानते हैं, कहीं पर भी अगर मकड़ी का जाला लगा हुआ देखते उसके घर को बिगाड़ देते हैं, हटा देते हैं। मकड़ी को स्पाइडर भी बोलते हैं। मुझे लगा कि मैं आपको दिखाऊं कि दुनिया में क्या क्या खूबसूरती है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। यहाँ पर एक म्यूजियम में रखी हुई है मकड़ी का, एक अपना इतिहास है, और देखो कितने लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, घूमते हैं, और देखो मकड़ी के जहाँ पर ये मकड़ी बनी है कितना खूबसूरत है कि पीछे म्यूजियम है, अगल बगल झील टाइप में है, नदी टाइप में है, पानी भरा हुआ है, लोग कितना मस्ती करते हैं, कितना अच्छे से है, कितना खूबसूरत नज़ारा है, बादल है, तो बस यही तो चाहिए और क्या। तो दोस्तों, हम अगले दिन फिर घूमने के लिए गए ओल्ड बिलबाओ, मतलब पुराने बिलबाओ शहर में, और वहाँ के लिए हमने लोकल ट्रेन ट्राम से घूमने गए, और वहाँ पर हम बैठ करके 15-20 मिनट में पहुँच गए ओल्ड बिलबाओ। ओल्ड बिलबाओ बहुत ही खूबसूरत है, बीच बीच में नहरें हैं, और वहाँ की बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत हैं, ना तो इतनी ऊंची मारते हैं और ना ही इतनी नीची मारते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत था, इतनी शांति थी चारों तरफ, लोग शांति से पैदल चल रहे थे, लड़का लड़की बूढ़े जवान सब लोग अच्छे से जा रहे थे, सब लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, प्यार से बातें कर रहे थे, और कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा था।
तो मैंने ये भी देखा कि कितनी शांति है उस देश में, और जो वहाँ के लोग हैं वो कितना घूमते हैं, कितना पैदल चलते हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक देखती थी, और आई थिंक ये सिर्फ उसी दिन की बात नहीं है, मैं पूरे जो वहाँ पर 5-6 दिन बिताई, वहाँ पर लोग पैदल ही चले जा रहे हैं, ना वहाँ पर ऑटो चलता है, ना वहाँ पर रिक्शा चलता है, ना वहाँ पर कोई ज़्यादा लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं, गिने चुने चार पहिया साधन हमको देखने को मिलते थे, लेकिन वो भी लोग चलते नहीं हैं, अगर ऑफिस के काम से जाते हैं तो फिर उसको खड़ा कर देते हैं और अपना काम करके जो दूर से आते हैं उसमें चले जाते हैं। इतनी साफ़ सुथरी सड़कें हैं, इतना सुंदर पानी, नील है, जैसे बोलते हैं ना कि एकदम नीला पानी दिखता है, पानी में कोई गंदगी नहीं है। वहाँ के चर्च इतने पुराने पुराने खूबसूरत चर्च हैं, वहाँ का मार्केट इतना खूबसूरत है, मार्केट में जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो रेस्टोरेंट है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर खाने पीने की दुकानें हमको मिली, लोग खूब मज़े से खा रहे हैं, बतिया रहे हैं। ये देखिए, ये बिलबाओ का यहाँ का स्थानीय खाना है, क्या नाम है प्लेस का? इसका नाम पेला है, और इसमें बहुत सारी फिश है, ये फिश है मुझे इसका नाम नहीं पता है, और फिर ये तो मैं जानती हूँ ये झींगा है, झींगा इसको बोलते हैं, और ये मुझे लगता है सीप के अंदर जो भी मच्छी रहती होगी वो है, और ये देख सकते हैं आप, ये राइस है, ये देखो इसमें राइस है, और इसमें और बहुत सारी सब्जियां पड़ी हैं, तो मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, आज ही हमारा चौथा दिन है स्पेन के, हम बिलबाओ में हैं, और आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं यहाँ पर स्पेन में, और जगह का नाम है संस वेस्टर्न, वहाँ पर हम जा कर के पूरा दिन घूमेंगे, आपको एक एक जर्नी दिखाऊंगी स्पेन की। जब मैं बस में जा रही थी, इतना खूबसूरत नज़ारा था, खूब बड़े बड़े पहाड़, घने जंगल हैं, और उगता हुआ सूरज हम देख रहे थे, रिमझिम बारिश भी हो रही थी, वो भी हम देख रहे थे, और बस में जितने लोग बैठे थे पूरी बस खचाखच भरी थी, लेकिन इतना शांत तरीके से लोग बस में चढ़े, और सिर्फ एक ही बस का ड्राइवर पूरी सवारी को मैनेज कर रहा था, और शांति से हम 2 घंटे के बाद सैन सेबेस्टियन पहुंच गए, और वहाँ पर जा कर के भैया जो नज़ारा मैंने देखा वो तो एकदम और भी खूबसूरत शहर था। चारों तरफ तो बस से उतरने के बाद फिर हम बढ़े, तो मैंने देखा खूब सुंदर समुद्र। की जगह है जो मेरे कैमरे में कैद हो रही है, और मैं स्पेन देश के बिलबाओ शहर के सैन सेबेस्टियन की जगह में हूँ। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, ठीक है, ये सैन सेबेस्टियन शहर में ये सिटी है चारों तरफ, और फिर पहाड़, और पहाड़ के बीच में समुद्र है, देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। और मैं अभी इस वाले ब्रिज के ऊपर हूँ, और ये बीच है, और इसके पीछे समुद्र की लहरें हैं, देखती हूँ अगर मैं अपने आप को दिखा पाती हूँ तो। हेलो, मज़ा आ रहा मुझे बहुत ही ज़्यादा, और मैं बहुत ही खुद किस्मतदार हूँ, और मैं ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं इस जगह पर पहुँच पाई हूँ। फिर वहाँ से मैं और प्रिया निकले, तो हमने रोड में घूमा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी लेकिन सब अपने से मतलब रखे थे। फिर हम वहाँ पर हम एक और म्यूजियम में गए, और उस म्यूजियम में मैंने देखा कि
स्पेन का जो इतिहास है वो म्यूज़ियम में कैद था कि किस तरह से लोग पहले व्यापार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, कैसे लोग खाने पीने का सामान नाव के द्वारा लाते हैं, दाल चावल गेहूँ मक्का मछली, ये सारी चीज़ें नाव वहाँ पे बनी हुई थी म्यूज़ियम में। और जो खेती होती है, जो खेती किसानी होती है, उसमें जो हल है, बैल है, और जांत, चकरी, छेनी, हथौड़ा, हंसिया, खुरपी, मतलब एक एक चीज़ उस म्यूज़ियम में कैद है। तो मैं तो एकदम जा कर के उस म्यूज़ियम में खो ही गई थी, और वहाँ की चीज़ें देख देख करके मैं अपने यहाँ की खेती किसानी के बारे में सोच रही थी कि जिस ये जो इतिहास यहाँ पर कैद है, आज वो इतिहास किस तरह से गुम होता चला जा रहा है। वहाँ की म्यूज़ियम की सीन को मैंने अपने कैमरे में कैद किया, और इसके बाद फिर हम दूसरी जगह घूमने गए सेंट सेबेस्टियन में ही, और वो दूसरी जगह थी मछली घर। मछली घर इतना खूबसूरत था कि मैं तो जा कर के मछली घर में खो जैसे गई। बड़ी बड़ी मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ, समुद्र में मछलियाँ कैसे दिखती हैं, समुद्र के अंदर की जो घास होती है वो मैंने देखा। मैंने एक मछली से, क्योंकि वो तो आई थिंक शीशे के अंदर ही थी, लेकिन मैंने चुम्मी लिया, तो मैं और वो मछली हम एक दूसरे को किस भी कर रहे थे, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की मछलियाँ और समुद्र के अंदर की घास को मैंने देखा, वो भी बहुत सुंदर नज़ारा था। वो मेरी ज़िंदगी का और भी ख़ास पल होगा। और दूसरा एक चीज़ और जो सबसे अच्छी रही है कि जो आदमी और औरतों की जो मैंने समानता देखी वहाँ पर, कपड़े सब लोग एक तरह का पहनते हैं। ये बंटवारा नहीं है कि ये कपड़े आदमी के हैं, ये कपड़े औरत के हैं, तो वो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर बराबरी का दर्जा काफ़ी है लड़का लड़कियों में, और वो इसलिए भी मैं कह सकती हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो आदमी हैं वो अपने बच्चों को गोद में लेके चल रहे थे या ट्रॉली में लेकर के चल रहे थे, और महिलाएं आराम से खाली हाथ चल रही थी। अभी एक चीज़ और जो मैं आपसे बात करना चाहती थी, भैया वहाँ का पैसा बहुत महंगा होता है। जो हमारे इंडिया का 82 रुपये होता है वो स्पेन का 1 रुपये होता है, और उसको यूरो बोलते हैं। क्योंकि जो बाटल हम यहाँ पे 20 रुपये के ख़रीदते थे, अगर वही बाटल वहाँ 20 यूरो को मिलेगी तो बहुत ही महंगा होता था, लेकिन हम वहाँ थे तो भैया खाना पीना तो पड़ेगा ही। हेलो दोस्तों, तो मेरी विदेश की यात्रा पूरी हो गई है, आज अंतिम दिन है, आज 11 तारीख है, और बस मैं इंडिया के लिए निकल रही हूँ। मैंने स्पेन में बहुत घूमा, अपने काम का प्रेजेंटेशन करने के लिए आई थी, बहुत अच्छे से किया है माया और प्रिया ने, और अब मैं वापस जा रही हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, बहुत खाया, यहाँ की म्यूजियम देखी, समुद्र देखी, मछली हाउस देखा, यहाँ के लोगों से बातचीत किया, मुलाकात हुई, तो अच्छी सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। और बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसी तरह से मेरे साथ बने रहें, और अगला मौका फिर अगर कोई देश में घूमने के लिए मिलेगा तो फिर वहाँ की यात्रा कराऊँगी। बस आप भी मेरे साथ देखिए विदेश की यात्रा। Thank you.